लद्दाख इंडिया की एक ऐसी जगह है जहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। लद्दाख अनडाउटेडली इंडिया की सबसे यूनिक जगह है, जो कि अपने स्नो कैट माउंटेन्स, कोल्ड डेजर्ट, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और अमेजिंग लैंडस्केप की वजह से फेमस है। 11,000 फीट के एवरेज ऑल्टीट्यूड पर स्थित लद्दाख एक बहुत ही माउंटेनियस एरिया है, जिसे लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख में आपको ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स मिलती है, जहां ड्राइव करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होता है। लद्दाख को आप बाइक और कार दोनों पे ही इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप भी लद्दाख की एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक पूरा टूर प्लान एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे लद्दाख आ सकते हैं, यहाँ अगर आपको क्या क्या विजिट करना चाहिए और आपका ओवरऑल ट्रिप ड्यूरेशन कितने दिन का होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लद्दाख की ट्रिप प्लान करने से पहले आपको लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि लद्दाख बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ अक्यूट माउंटेन सिकनेस होने का थोड़ा रिस्क रहता है। इसलिए लद्दाख आने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ प्रिकॉशनरी मेडिसिन अपने साथ ज़रूर लानी चाहिए। लद्दाख में विंटर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है, इसलिए यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम मई से अक्टूबर तक का ही होता है। हालांकि इस टाइम पे भी लद्दाख का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है और कुछ जगह पे तो मई जून के टाइम पे भी ये टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। इसलिए लद्दाख आने से पहले आप अपने प्रॉपर विंटर क्लोथ्स लेकर ही यहाँ आएँ। तो अब बात करते हैं कि आप लद्दाख पहुँचेंगे कैसे। लद्दाख पहुंचने के लिए आप या तो लेह तक की डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं, जो कि आपको दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, जम्मू और चंडीगढ़ से इजीली मिल जाएगी, या आप रोड ट्रिप करते हुए लद्दाख आ सकते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आपको रोड ट्रिप करते हुए ही लेह आना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर आपको बहुत ही बढ़िया व्यूज़ देखने को मिलते हैं। लेह तक पहुंचने के लिए दो हाईवे हैं, एक है मनाली लेह हाईवे और एक है श्रीनगर लेह हाईवे। ज़्यादातर लोग मनाली लेह हाईवे से लेह आना पसंद करते हैं और ये रास्ता बहुत सीनिक भी है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप श्रीनगर लेह हाईवे से यहाँ आएँ। इसके आपको दो बेनिफिट्स होंगे। पहला ये कि इस रूट से आपका कारगिल विजिट करने का टाइम बचेगा, और दूसरा ये कि इस रूट से आपको यहाँ के ऑल्टीट्यूड से एक्लिमेटाइज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली जब भी हम ऐसी हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पे जाते हैं, तो हमारी बॉडी को उससे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और इसे एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। श्रीनगर लेह हाईवे पे ऑल्टीट्यूड काफ़ी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थोड़ा जल्दी एक्लिमेटाइज हो जाती है, जबकि मनाली से ले आकर आपको लेह में कम से कम 1 से 2 दिन का रेस्ट करना पड़ता है अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए। हालांकि लद्दाख गवर्नमेंट ने अब एक नई गाइडलाइन निकाली है, जिसके अकॉर्डिंग आपको लद्दाख विजिट करने के लिए लेह में 2 दिन का कंपलसरी रेस्ट करना होगा, ताकि आपकी बॉडी लद्दाख के लिए अच्छे से एक्लिमेटाइज हो जाए। अगर हम बात करें एक आइडियल आइटिनरी की, तो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी श्रीनगर से, और डे 1 पे आपको श्रीनगर से कारगिल पहुँचना होगा। श्रीनगर से कारगिल 210 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, जिसको कवर करने में आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। इस जर्नी में आपको यहाँ की ग्रीनरी और टॉल माउंटेन्स के बहुत ही बढ़िया व्यूज़ देखने को मिलेंगे, और इस रूट पे आप सोनमर्ग और द्रास वैली से भी होते हुए गुजरेंगे। कारगिल पहुँच के आपको यहाँ की सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन कारगिल वॉर मेमोरियल में ज़रूर विजिट करना चाहिए। कारगिल वॉर मेमोरियल 1999 में हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर में शहीद हुए सोल्जर्स को डेडिकेटेड है। इस वॉर मेमोरियल में आपको कारगिल वॉर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलती है, और यहाँ आकर आप वॉर में शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। रात के स्टे के लिए आप कारगिल के किसी होटल में चेक इन कर सकते हैं। डे 2 पे आप सुबह कारगिल से लेह के लिए निकलेंगे, जो कि 210 किलोमीटर लंबी जर्नी है। कारगिल से लेह तक ये जर्नी काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इस रूट पे एक्चुअल लद्दाख वाला लैंडस्केप स्टार्ट हो जाता है, जिसके व्यूज़ देखते ही बनते हैं। इस रूट को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाता है यहाँ की काफ़ी सारी टूरिस्ट प्लेसेस। इस 210 किलोमीटर लंबे रूट पे आप काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैसे कि लामायूरी मोनेस्ट्री, फ्यांग मोनेस्ट्री, स्पितुक मोनेस्ट्री, बाजगो पैलेस, मुलबेक मोनेस्ट्री और आलची और लिक्किर की मोनेस्ट्रीज में विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टॉप आपको मैग्नेटिक हिल पे लेना चाहिए। माना जाता है कि यहाँ के माउंटेन्स अपनी मैग्नेटिक पावर से आपकी कार को अपने आप अपनी तरफ खींचते हैं। इसके बाद आप नीमू विलेज के पास इंदस और जांस्कार रिवर के मीटिंग पॉइंट पे भी कुछ देर रुक सकते हैं, और फाइनली 9 से 10 घंटे की ये जर्नी कंप्लीट करके आप शाम तक लेह पहुंच सकते हैं। लेह पहुंच के आपको अपने होटल में चेक इन करके कुछ देर रेस्ट करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी यहाँ के ऑल्टीट्यूड से थोड़ा एक्लेमेटाइज हो जाए। डे 3 पे आप लेह टाउन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेह टाउन लद्दाख में टूरिज्म के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे होने के बाद भी आपको यहाँ सारी बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाती हैं।
ले आकर आपको यहाँ की सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट शांति स्तूपा में जरूर विजिट करना चाहिए, जो कि एक व्हाइट कलर का बहुत ही सुंदर डोम स्ट्रक्चर है, जिसे 1991 में जैपनीज बुद्धिस्ट मोंक ग्योम्यो नामाकुरा ने बनवाया था। शांति स्तूपा एक काफी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है, जहाँ से आपको बैकग्राउंड के माउंटेन्स और ले टाउन का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा भी आप लेह में काफ़ी सारी प्लेसेस जैसे कि हॉल ऑफ फेम, ले पैलेस, सांकर मोनेस्ट्री, शे पैलेस, थिक्सी मोनेस्ट्री, रेंचो स्कूल और ले के मेन मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2021 से पहले तक आपको ले आकर लद्दाख के कुछ एरियाज को विजिट करने के लिए एक परमिट लेना होता था। हालांकि अब परमिट का कुछ सीन तो नहीं है, लेकिन अभी भी आपको उन एरियाज को विजिट करने के लिए कुछ फी पे करनी पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन या ले के SDM ऑफिस में जाके पे कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डे 4 भी आपको ले में ही स्पेंड करना होगा, और डे 3 पे जिन जगह को आप विजिट नहीं कर पाए थे, डे 4 को आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इन साइट सीइंग के बाद दोनों दिन रात का स्टे आप अपने सेम होटल में कर सकते हैं। डे 5 पे आप ले से नुब्रा वैली जाएंगे, जो कि दुनिया की सबसे सीनिक और एडवेंचरस जगहों में से एक है। नुब्रा वैली लद्दाख की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जो कि लद्दाख आइटिनरी का एक इनसेपरेबल पार्ट है। ले से नुब्रा वैली तक जाने का रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, क्योंकि इस रास्ते पे आप दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास से होते हुए गुजरेंगे। खारदुंगला पास 18,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड एक हाई माउंटेन पास है, जहाँ से आपको पूरे साल बर्फ से ढके स्नो कैप्ड माउंटेन्स का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। हालांकि अब लद्दाख में ही एक उमलिंगला पास भी बन चुका है, जो कि खारदुंगला पास से भी ज़्यादा के ऑल्टीट्यूड पे है, लेकिन वो पास मोस्टली सिर्फ आर्मी वालों के लिए ही खुला रहता है, इसे सिविलियंस के लिए आज भी खारदुंगला पास ही दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल पास है। हालांकि रिसेंटली उमलिंगला पास को भी टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है, लेकिन ये पास इंडिया चाइना बॉर्डर के बहुत पास है, इसलिए बॉर्डर पे अगर कोई भी टेंशन होती है तो उमलिंगला पास को टूरिस्ट के लिए तुरंत बंद कर दिया जाता है। खारदुंगला पास क्रॉस करके आप नुब्रा वैली में एंटर होंगे, जहाँ की सीनिक लैंडस्केप से आप बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड होंगे। नुब्रा वैली आकर आपको सबसे पहले यहाँ की डिस्किट मोनेस्ट्री में विजिट करना चाहिए, जो कि नुब्रा वैली की ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री के पास एक बहुत ही बड़ा बुद्धा स्टैचू भी है, जो कि यहाँ की मेन हाईलाइट है। डिस्किट के बाद आप नुब्रा वैली की दूसरी सबसे फेमस लोकेशन हंडर में विजिट कर सकते हैं। हंडर एक ऐसी यूनिक जगह है, जहां आपको स्नो कैट माउंटेन्स और रेतीले डेजर्ट एक ही जगह पे देखने को मिलते हैं, और इन कोल्ड डेजर्ट में आप यहां के डबल हम कैमल पे कैमल सफारी भी ले सकते हैं। रात का स्टे आप डिस्किट या हंडर के किसी होटल में कर सकते हैं। डे सिक्स पे आप नुब्रा वैली की बाकी अट्रैक्शंस पे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ की सैम स्टैनलिंग मोनेस्ट्री में विजिट कर सकते हैं, जो कि सुमुर विलेज में लोकेटेड नुब्रा वैली की सबसे मेन मोनेस्ट्री है। इसके बाद आप पनामिक विलेज के हॉट वाटर स्प्रिंग को भी विटनेस कर सकते हैं, जो कि पूरे साल बहने वाला यहाँ का एकमात्र हॉट वाटर स्प्रिंग है, और माना जाता है कि यहाँ के पानी में काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके बाद आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लास्ट विलेज तुरतुक में भी विजिट कर सकते हैं, जो कि लद्दाख के सबसे सुंदर विलेजेस में से एक है। ये सभी जगह एक्सप्लोर करने के बाद शाम तक डिस्किट या हंडर आकर आप अपने सेम होटल में स्टे कर सकते हैं। डे सेवन पे आप नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक के लिए निकलेंगे। नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक जाने के लिए आपको शोक रूट लेना होगा, और इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे, जहां आपको पूरे रास्ते बहुत ही अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे। पेंगोंग लेक लद्दाख की सबसे मेन हाईलाइट है, और ये लेक अपने डीप ब्लू वाटर्स और बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्टी माउंटेन्स की वजह से एकदम हेवनली फील देता है। पेंगोंग लेक 14,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा सॉल्ट वाटर लेक है, जिसे अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से दुनिया के सबसे सुंदर लेक्स में भी गिना जाता है। हालांकि पेंगोंग लेक में आपको कभी भी स्विमिंग ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि आपको यहाँ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। पेंगोंग लेक में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप स्पांगमिक के किसी होटल में नाइट स्टे कर सकते हैं। डे एट पे आप सुबह पेंगोंग लेक पे कुछ टाइम स्पेंड करके हानले के लिए निकलेंगे। हानले लद्दाख के लीस्ट एक्सप्लोर्ड एरियाज में से एक है, और ज़्यादातर लोग जो लद्दाख की ट्रिप पे आते हैं वो हानले को अपनी ट्रिप में इंक्लूड करना भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी ट्रिप में एक दिन और ऐड करके हानले विजिट करने भी ज़रूर जाएं। हानले आकर आप यहाँ की सबसे फेमस हानले मोनेस्ट्री में विजिट कर सकते हैं, जो कि तिब्बतन बुद्धिस्ट के रेड हेड सेक्शन को बिलोंग करती है। इसके बाद आपको हानले की इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में भी ज़रूर विजिट करना चाहिए, जो कि 14,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे स्थित दुनिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरीज में से एक है। इस ऑब्जर्वेटरी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑपरेट करता है, और यहाँ के पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से आप लद्दाख के क्लियर स्काइज में स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। नाइट स्टे के लिए आप हानले के किसी होटल में या इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के गेस्ट हाउस में स्टे कर सकते हैं। डे नाइन
डे 9 पे आप हानले से सो मोरीरी लेक के लिए निकलेंगे। हानले से सो मोरीरी लेक जाने के 3 रास्ते हैं, लेकिन इनमें से सबसे कन्वीनियंट रास्ता है हानले से लोमा, न्योमा और माहे ब्रिज होते हुए, जो कि 150 किलोमीटर लंबा रास्ता है और इसे कवर करने में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। सो मोरीरी लेक पेंगोंग लेक की तरह एक बहुत ही सुंदर ब्लू वाटर लेक है, लेकिन ये लेक पेंगोंग लेक जितना फेमस नहीं है, इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। सो मोरीरी लेक इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक है, जो पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है। सो मोरीरी लेक की नेचुरल ब्यूटी को कुछ देर विटनेस करने के बाद आप लेक के लिए निकल सकते हैं, जो कि यहाँ से 220 किलोमीटर दूर है और इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। लेक पहुँच के आप यहाँ किसी होटल में स्टे कर सकते हैं। डे 10 आपकी लद्दाख आइटिनरी का लास्ट डे होगा और इस दिन आप लेह से मनाली के लिए निकलेंगे। मनाली के लिए निकलने से पहले आप लेह के लोकल मार्केट में कुछ देर विजिट करके यहां से कुछ सोवेनियर शॉपिंग भी कर सकते हैं। लद्दाख से वापस आते टाइम आपको मनाली वाला रूट इसलिए लेना चाहिए ताकि आपका श्रीनगर ले मनाली वाला पूरा सर्किट कंप्लीट हो सके। लेह से मनाली 430 किलोमीटर लंबी जर्नी है, जिसे एक दिन में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो डे 10 पे आप लेह से सरचू तक की जर्नी कर सकते हैं, जो कि 250 किलोमीटर लंबी जर्नी है और इसे कवर करने में आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। सरचू में आपको होटल्स, गेस्ट हाउस और टेंट्स मिल जाएंगे जहां आप नाइट स्टे कर सकते हैं। डे 11 नाइट स्टे सरचू में करने के बाद आप सरचू से मनाली के लिए निकल सकते हैं, जो कि 180 किलोमीटर लंबी जर्नी है, जिसे कवर करने में आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। सरचू से मनाली एंटर होने के आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप रोहतांग पास से एंटर हो सकते हैं या अटल टनल से। अटल टनल एक छोटा और काफी स्मूथ रास्ता है, जबकि रोहतांग पास से आने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा और यहाँ की रोड कंडीशंस भी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि रोहतांग पास वाले रास्ते से आपको जो व्यूज देखने को मिलते हैं, उसके लिए लंबा रास्ता लेना भी वर्थ इट होगा। लेह से मनाली वाला हाईवे पूरे इंडिया के सबसे सीनिक और एडवेंचरस रास्तों में से एक है और इस पूरे रास्ते में आपको 5 हाई माउंटेन पासेस, जैसे कि तांगलांगला पास, लाचुंगला पास, नाकीला पास, बारालाचला पास और रोहतांग पास देखने को मिलते हैं, और इन सभी पासेस की सीनिक ब्यूटी को आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले। डे 11 पे मनाली पहुंच के आप अगले दिन अपने होम टाउन के लिए निकल सकते हैं और कुछ इस तरह आप अपनी लेह लद्दाख की जर्नी को प्लान कर सकते हैं। इस पूरी आइटिनरी को फॉलो करने से पहले आपको इस ट्रिप के बारे में कुछ बातें याद रखनी होगी। लेह के हाई ऑल्टीट्यूड से एडजस्ट होने में हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आपको लेह में ही 1 से 2 दिन और रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चल के आपको अक्यूट माउंटेन सिकनेस होती है तो यहाँ काफ़ी दूर तक आपको हॉस्पिटल्स भी नहीं मिलेंगे, और अक्यूट माउंटेन सिकनेस बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, इसलिए इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। लद्दाख विजिट करने के लिए यहाँ के टैक्सी यूनियन के रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और आप यहाँ किसी दूसरे स्टेट की रेंटेड कैब या टैक्सी से विजिट नहीं कर सकते, और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ विजिट करने आते हैं तो उस व्हीकल के पेपर्स या तो आपके खुद के या आपके ब्लड रिलेटिव्स के नाम पे होने चाहिए, अदरवाइज आपको लद्दाख विजिट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। हालांकि दूसरे स्टेट की रेंटेड कैब से आप लेह तक आ सकते हैं, लेकिन लद्दाख की बाकी जगहों को विजिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लद्दाख या जम्मू कश्मीर की लोकल टैक्सी ही हायर करनी होगी, जो कि आपको लेह टैक्सी स्टैंड से मिल जाएगी। अगर आप लद्दाख को बाइक से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बाइक भी आपको लेह से रेंट पे मिल जाएगी। और फाइनली लद्दाख के जितने भी हाई माउंटेन पास हैं, वहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है, इसलिए आपको ऐसे किसी भी पास पे 30 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक आइडियल लद्दाख आइटिनरी। अगर इन सब के बाद भी आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम, गुड बाय।